फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे गोविंदा और करिश्मा कपूर की एक शानदार म्यूजिकल फिल्म खुद्दार से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और इसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। खुद्दार एक एक्शन, थ्रिलर, ड्रामा और म्यूजिकल फिल्म थी जिसे 25 मार्च 1994 को रिलीज किया गया था। इसमें नजर आए थे गोविंदा, करिश्मा कपूर, शक्ति कपूर, कादर खान, श्रीराम लागू, अंजना मुमताज, राजू श्रेष्ठ, महेश आनंद, जैक गॉड, विकास आनंद और रामी रेड्डी। इस फिल्म के कुछ गाने आज भी 1990 के एवरग्रीन सॉन्ग्स में शामिल किए जाते हैं। खुद्दार फिल्म का बजट लगभग 2 करोड़ रुपए रखा गया था और फिल्म ने इंडिया में लगभग 5 करोड़ और वर्ल्ड वाइड 9 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। इस तरह से खुद्दार 1994 की एक सेमी हिट फिल्म साबित हुई थी। तो चलिए दोस्तों, आगे भी इस वीडियो में जानते हैं 8 कमाल की फैक्ट फिल्म खुद्दार के बारे में। नंबर 1, कहा जाता है कि जब गोविंदा 5 जनवरी 1994 को खुद्दार फिल्म की शूटिंग के लिए स्टूडियो जा रहे थे तब वह बाल बाल मौत से बचे थे। दरअसल गोविंदा की कार किसी दूसरी कार से टकरा गई थी जिसके चलते उनके सिर पर काफी गहरी चोट आई थी और गंभीर रूप से खून बह रही थी। इसके बावजूद भी गोविंदा ने उस दिन की शूटिंग कैंसिल नहीं की थी क्योंकि डॉक्टर से मिलने के बाद उन्होंने आधी रात तक फिल्म की शूटिंग की थी। नंबर 2, इस फिल्म का एक गाना जिसे करिश्मा कपूर पर फिल्माया गया था जिसका बोल था सेक्सी सेक्सी सेक्सी, एक्चुअली इस वर्ड को सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा कट कर दिया गया था और इसके जगह पर बेबी बेबी वर्ड को जोड़ा गया था क्योंकि सेक्सी सेक्सी वर्ड को उस टाइम में यानी 90 के दशक में एक बहुत ही कंट्रोवर्सियल वर्ड माना जाता था जिसके कारण इसे हटाना पड़ा था। नंबर 3, साल 1994 में गोविंदा और करिश्मा कपूर एक साथ बैक टू बैक 4 फिल्मों में नजर आए थे। वो फिल्में थी राजा बाबू, दुलारा, खुद्दार और प्रेम शक्ति। इनमें से 3 फिल्मों ने सिनेमाघरों में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। वो 3 फिल्में थी राजा बाबू, दुलारा और खुद्दार, जिसमें राजा बाबू सुपरहिट रही थी, दुलारा एवरेज और खुद्दार सेमी हिट साबित हुई थी। नंबर 4, खुद्दार फिल्म के डायलॉग इतने ज्यादा पॉपुलर हुए थे कि फिल्म मेकर्स ने डिसाइड किया कि इस फिल्म के डायलॉग के ऑडियो कैसेट रिलीज किया जाना चाहिए और फिल्म रिलीज होने के कुछ दिन बाद खुद्दार का डायलॉग ऑडियो कैसेट रिलीज किया गया था। और मजे की बात यह है कि इस फिल्म के सॉन्ग्स ऑडियो कैसेट और डायलॉग ऑडियो कैसेट दोनों की बंपर सेलिंग हुई थी। जब 10 कमीने मरते हैं तो एक कुत्ता पैदा होता है, जब 100 कुत्ते मरते हैं तो एक सुअर पैदा होता है, और जब 1000 सुअर मरते हैं तो एक भड़वा पैदा होता है, और जब 1 लाख भड़वे मरते हैं तब तो जैसा एक गंदा नेता पैदा होता है आधा जोदार। नंबर 5, राजू श्रेष्ठ, जिन्हें मास्टर राजू श्रेष्ठ भी कहा जाता है, इनको आप लोगों ने बहुत सारी फिल्मों में एज अ कैरेक्टर रोल प्ले करते हुए जरूर देखा होगा, जैसे शतरंज, साथी, महासंग्राम, अनाड़ी और रंग जैसे फिल्मों में। राजू श्रेष्ठ हमें खुद्दार फिल्म में भी नजर आए थे। वैसे तो ये ज्यादातर फिल्मों में हीरो के दोस्त, हीरोइन के भाई या हीरो के भाई की रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं, लेकिन खुद्दार इनकी पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें इन्होंने निगेटिव रोल प्ले किया था। इस फिल्म में वह गोविंदा के छोटे भाई बने हुए थे। आगे नहीं आना भैया, लपचा दे दे मुझे। अरे चल हट नंदो, लपचा दे दे मुझे। नंबर 8, जिस साल खुद्दार फिल्म आई थी यानी साल 1994 में, सेम उसी साल खुद्दार के अलावा गोविंदा की 10 और भी फिल्में आई थी। वो फिल्में थी राजा बाबू, बेटा हो तो ऐसा, दुलारा, इक्का राजा रानी, भाग्यवान, अंदाज अपना अपना, प्रेम शक्ति, रखवाला, आग और ब्रह्मा।